प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल से बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीय प्लेयर्स के दमदार प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। पीएम मोदी ने कहा कि पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाला प्रत्येक खिलाड़ी चैंपियन है। भारत सरकार खेलों को समर्थन देना जारी रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि खेलों में उच्च गुणवत्ता की आधारभूत सुविधाएं मिले। पेरिस ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय दल के खेल अनुभवों को सुना और मैदान में उनकी उपलब्धियों की सराहना भी की। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि पेरिस ओलंपिक में हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय दल के साथ बातचीत करना आनंददायक अनुभूति थी। मैंने जिस उमंग से आपको पेरिस के लिए विदाई दी थी, उतने ही उमंग से मैं आज आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं। और इसका कारण ये नहीं है कि कोई मेडल का टैली कितना हुआ, उसका कारण यह होता है कि विश्व भारत के खिलाड़ियों की तारीफ कर रहा है, उनके हौसले, उनके डिसिप्लिन, उनके बिहेवियर। मेरे कानों पर सब जगह से बातें आती हैं और ये सुनता हूं तो बड़ा गर्व होता है जी कि मेरे देश के खिलाड़ी मेरे देश के लिए ही खेलते हैं। मेरे देश के नाम को रत्ती भर भी खरोच आ जाए, ये मेरा देश का एक भी खिलाड़ी नहीं चाहता है। और यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और उसके लिए ये पूरी टीम बहुत बहुत बधाई के पात्र है। साथियों, आप सबने पूरी दुनिया में भारत के तिरंगे की स्थान बढ़ा करके देश वापस लौटना और मेरे निवास पर आपका स्वागत करने का मुझे अवसर मिलना, मैं इसे मेरा अपना गौरव मानता हूं। और पेरिस जाने से पहले जो जाते हैं उनको भी पता होता है कि हमें अपना बेस्ट देना है। और मैंने हमेशा यही कहा है सबको कि आपको अपना बेस्ट देना है और आपने दिया है। दूसरी बात है, हमारे खिलाड़ी उम्र में बहुत छोटे हैं और अभी से ये अनुभव मिला है तो आगे हमारे पास एक लंबी समय है अधिक अचीव करने का, और वो आप जरूर करेंगे, इस अनुभव का लाभ देश को मिलेगा। साथियों, पेरिस ओलंपिक्स भारत के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। इस ओलंपिक्स में देश के लिए जो रिकॉर्ड्स बने वो देश के कोटि कोटि नौजवानों को प्रेरणा देंगे।